सो हाय हेलो इस यार, तो क्या हाल चाल है? आप सब क्या हो क्या प्रोशियोरिटी मिस में होंगे? तो गाइस, आप लोगों को पिंग नेमिनेश्वर कब देखने के लिए मिलेगा और पिंग नेमिनेश्वर के अंदर कौन कौन से रिफंड आइटम देखने के लिए मिलने वाला है, ये मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ में देखो, आप लोग को इन गेम आने वाले बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स लाइक आप लोग को न्यू मोको शॉट मैस्टिक और बंडल कब आएगा, न्यू स्किनिंग स्किन कब आएगी और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स का अपडेट देने वाले हो। तो चलो बिना करने की करते हैं फिर स्टार्ट। सो गाइस यार, तो देखो सबसे पहले आप लोग एक नया मोको शॉट कंफर्म हो चुका है, जिसके अंदर आप लोग को लिमिटलेस पंच वाली न्यू फिश के स्किन नहीं, ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड फिश का स्किन है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना फिश का स्किन है। ये आपको इस मोको शॉट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा और इस फिश के स्किन के साथ में दूसरा आप लोग को ये वाला फिश का स्किन देखने के लिए मिल जाएगा, हिल स्टोन। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये फिश का सीन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ब्लू वाली। और बाकी आप लोगों को ये दोनों फिश के सीन नेक्स्ट मोको शॉट के अंदर इंडिया फीडी सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगी और इस मोको शॉट के जो कंफर्म डेट होने वाली है ये होगी 28 सितंबर। सो ये मोको शॉट आप लोग को सेम टू सेम ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा 28 सितंबर को इंडिया फीडी सर्वर के अंदर। बाकी फिर देखो आप लोग को जो नेक्स्ट डे फैन देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर आप लोग को फुया इवेंट स्पेशली न्यू फुया बंडल देखने के लिए मिलने वाला है नेक्स्ट रिंग फैन के अंदर, जिसका आप लोग यहाँ पे इसका सेट ऊपर का देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी इसके अंदर जो एनिमेशन और इफेक्ट वगैरह आ रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका टी शर्ट का। और बाकी फुया बंडल स्पेशली आप लोग को फुया बंडल के अंदर टी शर्ट और इसका पैंट भी अच्छा खासा एनिमेशन आ रहा है थोड़ा बहुत है। फिर इसके जूते सोच भी आप लोग देख सकते हो और इसमें आप लोग को एक मार्क्स भी मिल जाएगा और इसका हेयर बहुत ही अच्छा खासा लग रहा है, लाइट वाइट आ रही है एनिमेशन हेयर में। पूरा का पूरा जो फुया का बंडल है ये बहुत ही अच्छा है। फिर इसके जो फीमेल फर्स है ना, ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जा रही है इस रिंग फैन के अंदर। जो फीमेल बंडल का टॉप है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग फीमेल का जो बंडल है वो देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। फिर आप लोग को ग्लोल की स्किन देखने के लिए मिल जा रही है फुया इवेंट के थीम में, ये फिर लेजेंडरी और इसमें फिर एनिमेशन और इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। और फिर आप लोग को एक नाब्रांग का स्किन देखने के लिए मिल जा रहा है जो ये फिर लेजेंडरी और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और ये फुया इवेंट स्पेशली बंडल का रिंग इवेंट का जो पॉसिबल डेट है ये आप लोग को 6 या फिर 7 अक्टूबर को देखने के लिए मिलेगी इंडिया फिटी सर्वर के अंदर। और चलो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो है न्यू स्काइविंग के स्किन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी है और अभी तक जितना भी स्काइविंग का स्किन आया है उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसका शेयर बहुत ही ज़्यादा अलग है। और ये वाली स्काइविंग की स्किन आप लोग को फेयरवेल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, जिसकी डेट निकल के आई है, आप लोग को 20 अक्टूबर को ये फेयरवेल देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी आप लोग को 20 अक्टूबर को ये वाली स्काइविंग की स्किन देखने के लिए मिल जाएगी या फिर एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है डेट। और फिर ये सीखो आप लोग को न्यूज और थम्सन की इनकी स्किन है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर थम्सन की बहुत ही अच्छा खासा लेजेंडरी स्किन मिल जाएगा, जिसका एडिफ्यूज के साथ में ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और लेजेंडरी होने के साथ इसके अंदर आप लोग को एडिफ्यूज तो मिल रहा है अच्छा, इसके साथ आप लोग को इफेक्ट भी मिलेगा, गन स्वेज एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा जो अच्छा लग रहा है। फिर दूसरा आप लोग को एलिमिनेशन नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, किसी को भी किल करोगे तो ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तीसरा इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, एलिमिनेट अनाउंसमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, किसी को भी किल करोगे तो। और बाकी इनकी स्किन आप लोग को रिंग फैन के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगी। और डायमंड की बात करें तो 2 से 3 के डायमंड के अंदर आप लोग को ये वाला जो इनका स्किन है ये निकल सकते हैं। बाकी ये रिंग इवेंट आप लोग को 12 या फिर 14 अक्टूबर को पॉसिबल है कि देखने के लिए मिले। और नेक्स्ट अपडेट के आई मैस्टिक ओरा बंडल का रिंग इवेंट को लेकर, जिसके अंदर आप लोग को मैस्टिक ओरा बंडल का जो मेल बंडल का ही नाम तो मैस्टिक ओरा है, बाकी ये बंडल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा जो कि ओल्ड गोल्डन सेट बंडल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आप लोग को इस रिंग फैन के अंदर ना इसके फीमेल वर्सन भी देखने के लिए मिलेगी और साथ में कुछ रिवॉर्ड्स भी देखने के लिए मिल सकता है, गन का स्किन या फिर ग्लोल की स्किन।
बाकी आप लोगों को ये रिंग फाइन का जो पॉसिबिलिटी मिल के आया है वो बता देती हूँ। आप लोगों को 20 या फिर 22 अक्टूबर को ये सो रिंग फंड है मैस्ट्रिकोरा बंडल का। सो ये रिंग फंड अक्टूबर में ही आएगी। 22 या फिर 20 अक्टूबर को आप लोगों को मैस्ट्रिकोरा बंडल के सो रिंग फंड है आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है इंडिया फिटी समर के अंदर। फिर किसी को पिंग नेमेश्वर के अंदर जब पिंग नेमेश्वर आता है तो आप लोगों को सबमिशन करना पड़ता है जिससे आप लोगों को पिंक डायमंड मिलता है। और पिंक डायमंड तो आप लोगों को पता ही आपके पास हो जाता है तो आप लोग पिंक डायमंड ईश्वर में जा सकते हो जहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड भी देखने के लिए मिलता है। बट उससे पहले देखो आप लोगों को इमोट रॉयल भी पॉसिबल है कि आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है अक्टूबर में। हैलोवीन इवेंट स्पेशली आप लोगों को जो इमोट रॉयल है जिसके अंदर आप लोगों को 4-5 इमोट्स देखने के लिए मिल सकता है। रिटर्न में अभी कंफर्म डेट आएगा तो बता दूंगी। फिर कैसे को आप लोगों को पिंक नेमेश्वर के अंदर में जो बंडल्स है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा है मेल और फीमेल का इस टीम में। फिर आप लोगों को EWM की जो स्किन है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रही है। बट इंडिया सर्वर के अंदर आप लोगों को पिंक नेमेश्वर देखने के लिए मिलेगा तो आप लोगों को जो रामजी का बंडल है फिर ये जो किटी वाला इमोट है ये आप लोगों को पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आप लोगों को जो यहाँ पे इसी टीम के जो मेल और फीमेल का बंडल है फिर आप लोग को ये सारे जो बंडल देखने के लिए मिल रहा है ये सब बंडल में से भी आप लोगों को कोई कोई बंडल देखने के लिए मिलेगा। बाकी पिंक नेमेश्वर के अंदर 9 लगा के मतलब फ्री का ही सोचो यहाँ पे स्कार्फ और स्किन्स भी मिल रहा है और विंटर वाली स्कार्फ की स्किन में मिल रही है और साथ में जो क्रिएट वगैरह है बंडल का ये मिल रहा है और लेजेंडरी एन के स्किन्स भी देखने के लिए मिल जा रही है। लाइक आप लोग यहाँ पे देख ही रहो बहुत सारे लेजेंडरी एन के स्किन में आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रही है। और फिर आप लोग को निशा पे पिंक नेमेश्वर ईश्वर के अंदर आप लोग को जो मिली वेपन्स है ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रही है। स्किन्स ग्लूवल के स्किन्स भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रही है। फिर आप लोग को ग्रेनेड का स्किन ये वाला देखने के लिए मिल जा रहा है और फिर ग्रेनेड की स्किन्स हैं गन की क्रिएट्स हैं और क्रिएटर्स भी आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है। साथ में पैट फोटोग्राफी लेने का यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है और कलेक्शन में आप लोगों को कुछ इमोट्स वगैरह देखने के लिए मिल जा रहा है। सिंपल और लेजेंडरी दोनों ही इमोट्स है। बाकी इंडिया सर्वर के अंदर इतना अच्छा सा इमोट में से दो या फिर एक ही आएगा। इतने सारे अच्छे इमोट्स नहीं आ सकते इंडिया सर्वर के अंदर पिंग नेमेश्वर के अंदर। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो टीसी लोग वाला इमोट फिर जंगल वाला इमोट भी है और यहाँ पे बैकपैक की स्किन्स भी दी जा रही है पिंग नेमेश्वर के अंदर में। साथ में आप लोग कुछ नॉर्मल जो इमोट्स हैं ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे डांस करने वाला है डीजे बजाने वाला है और फिर यहाँ पे लोन रिमोट भी देखने के लिए मिल जा रहा है। बट इंडिया सर्वर के अंदर इम्पॉसिबल है आना और बाकी नॉर्मल रिमोट्स तो देखने के लिए मिलेगा ही। और बाकी यहाँ पे आप लोगों को नेम चेंज कार्ड वगैरह फिर यहाँ पे जो बैकपैक की स्किन से ये भी देखने के लिए मिल जा रही है। लेकिन सारे ही आइटम आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है पिंक नेमेश्वर के अंदर। इंडिया सर्वर के अंदर इतना सारा तो सब आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा बट इसमें से कुछ कुछ जो आइटम्स है ये सब भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। नए क्रिएटर्स भी होंगे पैट भी होगा और जो फैशन का आइटम है बंडल से मिनी वेपन्स की स्किन है ग्लूवल की स्किन से इमोट से नॉर्मल से वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और जो पिंक नेमेश्वर पॉसिबल है आप लोग को इसी वाले पिंक नेमेश्वर आने की बहुत ही ज़्यादा चांस बन रहा है। सो इसी वाले आप लोग को पिंक नेमेश्वर देखने के लिए मिल सकता है और दिवाली के साथ इस साल विंटर के टाइम में आप लोग को विंटर लाइट इवेंट में भी बहुत ही ज़्यादा चांस हो रहा है आप लोग को पिंक नेमेश्वर ईश्वर देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि दिवाली स्पेशली पिंक नेमेश्वर ईश्वर का आइकन ऐड नहीं हुआ है। ये तो बस पॉसिबिलिटी है बट विंटर के टाइम में आप लोग को जो पिंक नेमेश्वर ईश्वर है ये इंडिया सर्वर के अंदर रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है। तो चलो इस मिलता है न्यू वीडियो में।